2023 साल हो चुका है ऑलमोस्ट समाप्त। तो फिर एक करते हैं थोड़ी सी फन फैंटेसी वाली एक्सरसाइज, बेसिकली कोशिश करते हैं एक ओडीआई टीम ऑफ द ईयर बनाने की, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप वाला साल था, अब इसमें कैसा रहा, कौन माला माल था, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और इसलिए पहन रखा है क्योंकि नॉर्वे पहुंच गया हूँ, ऑस्लो में अभी अभी लैंड हुआ। और आई एम नॉट किडिंग, बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया एक्चुअली 5 बजे, तो यहाँ तो खैर बहुत ही अंधेरा हो जाता है। पर बर्फ ना इतनी, तीन तीन चार चार फुट जो बर्फ है वो जमी हुई है एकदम। और क्रिसमस ट्रीज जो है वो हम घर पे उस पर रुई डाल के बनाते हैं, यहाँ पे तो सारे ट्रीज ही क्रिसमस के लग रहे हैं क्योंकि सारे के सारे सफेद हैं। तो मैंने कहा चलो अपना काम पे लगते हैं, ओडीआई टीम ऑफ द ईयर बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुझे ऑब्वियसली लग रहा है कि भारतीय खिलाड़ी बहुत ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि आने वाले हैं, परफॉर्मेंसेज हैं सबकी, तो उनके नाम तो आएंगे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, तो फिर उनके भी कुछ खिलाड़ी होने चाहिए, लॉजिक यही कहता है। पर लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। दोनों ओपनर्स मेरे भारतीय हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 27 मैच खेले हैं, 52 का इनका औसत रहा है, स्ट्राइक रेट 117 का रहा है, रुकने का इन्होंने नाम नहीं लिया है। 2 शतक और 9 अर्धशतक भी मारे हैं 52 के औसत के साथ, मतलब 1255 रन। रोहित शर्मा मेरी टीम के में, मतलब बतौर ओपनर और इनफैक्ट बतौर कप्तान ही ये मेरी टीम का हिस्सा रहेंगे क्योंकि टीम को फाइनल तक पहुंचाया भी है। दूसरे स्थान पर उन्हीं के साथ ही शुभमन गिल, ये 29 मैच खेले इस साल और 1584 रन इन्होंने बना दिए, 9 अर्धशतक है और 5 शतक है और 63 का एवरेज है और 105 का स्ट्राइक रेट है। तो शुभमन गिल का भी होना यहाँ पे कोई मतलब डाउट वाली बात तो है नहीं कि वनडे फॉर्मेट एक्चुअली ये दोनों को बहुत पसंद आता है यार। अब इंटरेस्टिंगली इनफ लेट मी टेल यू, हमारे जो 1-2-3 है ना वो भारत के 1-2-3 है और वही मेरे टेस्ट में ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के 1-2-3 है क्योंकि तीसरे नंबर पे है विराट कोहली। अब विराट कोहली वर्ल्ड कप बड़ा ही इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप रहा, 50वां उन्होंने अपना वो कहते हैं ओडीआई शतक भी पूरा कर लिया, 72 के औसत के साथ इन्होंने बनाए हैं 1377 रन, 6 शतक और 8 अर्धशतक के साथ 99 का स्ट्राइक रेट। विराट कोहली इज माय नंबर 3 इन दिस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। नंबर 4 पे मैंने रखा डैरिल मिचेल को। अब डैरिल मिचेल ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पारियां खेली, 2 बार तो भारत के खिलाफ 100 बनाया, 1 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, 1 शुरुआत में, और इस साल अगर देखें तो 5 शतक उन्होंने जड़े, 1200 रन बनाए हैं, 100 का इनका स्ट्राइक रेट है और 52 का इनका औसत है, ही इज बीन गुड यार। तो डैरिल मिचेल मेरी टीम का हिस्सा है और आईपीएल में भी बहुत पैसे लेकर वो चेन्नई के लिए खेलेंगे, क्या बात है। अब जरा नंबर 5 पे चलते हैं। 5 मैंने रखा मोहम्मद रिजवान को, थोड़ा सा यहाँ पे केएल राहुल का केस ब्राइट था पर मैंने रिजवान को रखा है। 25 मैचों में 1023 रन, 1 शतक, 7 अर्धशतक, एवरेज जो है वो 64 की नियरली यार, 64 की एवरेज वाले बंदे को, विकेट कीपर भी है। तो मोहम्मद रिजवान मेरी टीम का हिस्सा है, थोड़ा स्ट्राइक रेट 93 का, पर ठीक है, इट्स ओके, 93 रन अ बॉल, इट्स फाइन आई गेस। उसके बाद शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन का बहुत बढ़िया साल नहीं रहा है ये, लेट्स बी फेयर, पर फिर भी विकेट्स रन्स ब्रिंग्स वैल्यू। और मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो वहां पर उनको रखना, मैंने तो रख लिया यार शाकिब अल हसन, हालांकि वर्ल्ड कप तो खैर बहुत ही साधारण रहा था पर फिर भी 23 मुकाबलों में 35 की औसत से रन तो बनाए हैं, 6 अर्धशतक दिए, विकेट्स भी चटकाए हैं, तो शाकिब अल हसन इज इन माई साइड। इसके बाद मार्को यानसन, मार्को यानसन को मैंने अपनी टीम का हिस्सा रखा है उनको, क्योंकि 20 मैचेस में इन्होंने 33 विकेट लिए हैं, 406 रन भी बनाए हैं, 33 का इनका बैटिंग का औसत है, स्ट्राइक रेट 116 का है, बॉलिंग एवरेज भी 30 का है। तो मार्को यानसन मेरे विचार में तो डिजर्व्स यार, और वर्ल्ड कप में तो हर मैच में लग रहा था 2 विकेट लेता है, हमारे अगेंस्ट थोड़ा सा फंस गए थे पर वरना मतलब विकेट बहुत चटकाई है मार्को यानसन ने। और उन्हीं के साथ मैंने रखा है जेराल्ड क्विंटे को। अब जेराल्ड क्विंटे इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर यार, आई मीन खिलाड़ी, ये भी बड़ा तगड़ा है। तो जेराल्ड क्विंटे का नाम भी मैंने टीम में डाल दिया है, जो कि 14 मैच में 31 विकेट है इनके, 23.2 का एवरेज है, 6.5 का इकोनॉमी है। जेराल्ड क्विंटे, यानी कि 2 साउथ अफ्रीकन यहां पर हो गए, बांग्लादेश का एक प्लेयर आ गया, 1 पाकिस्तान का आ गया, 3 भारतीय आ चुके हैं, 1 न्यूजीलैंड का है, अभी तक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं आया इसमें, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कुलदीप यादव है मेरी टीम का हिस्सा, कुलदीप यादव 28 मैच में 48 विकेट्स यार, 48 विकेट्स, लॉर्ड ऑफ विकेट्स, तो कुलदीप यादव का नाम है, 4.6 का इकोनॉमी और 19.8 की एवरेज के साथ, तो कुलदीप यादव मेरी टीम का हिस्सा। उनके बाद 19 मैचों में 43 विकेट चटकाने वाला मोहम्मद शमी, शमी तगड़ा है यार,
शामी तो मेरी टीम का हिस्सा रहने ही वाले हैं। इज बिन एब्सोल्युटली स्टेलर, 5.3 का इकोनॉमी और 16.4 की एवरेज और 7 विकेट इन्होंने चटकाए थे, वो वर्ल्ड कप का मैच था, तो मोहम्मद शामी हैज टू बी देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम 11 की बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोहम्मद सिराज, 25 मैचेस में 44 विकेट इन्होंने भी चटकाए हैं। तो मोहम्मद सिराज हो गए मेरी टीम का हिस्सा। तो ये मैंने कुछ टीम बनाई है अभी के लिए, ओडीआई टीम, इसमें रोहित, गिल, कोहली, मिचेल, रिजवान, शाकिबुल हसन, मार्को यानसन, जराल कोएत्से, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस, काफी सारे ऑलराउंडिंग ऑप्शंस। और बेंच पे जो मैंने खिलाड़ियों को रखा है वो भी सुन लो, आई मीन बुरा नहीं मानना। शाहीन शाह अफरीदी 21 मैच 42 विकेट, जिसमें से एक पंजा इन्होंने जो बेस्ट था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में आया था वर्ल्ड कप। एडम जैम्पा 20 मैच 38 विकेट, वर्ल्ड कप इनका भी बहुत अच्छा रहा, शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन फिर अच्छा रहा। केएल राहुल 24 मैच में 983 रन पर एवरेज 70 का, तो ये वो क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान को पुश कर रहे थे, पर रिजवान को मैंने रख दिया टीम में और केएल राहुल भी इस मतलब बेंच का हिस्सा है अभी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत बढ़िया जिसका वर्ल्ड कप रहा वो था रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र 22 मुकाबले 3 शतक 3 अर्धशतक 45 का औसत 17 विकेट, ही इज बीन गुड। सो दिस इज माई टीम प्लस द बेंच। इस टीम से आपकी कितनी सहमति है डू लेट मी नो, नहीं पसंद आई टीम तो भी बता देना, कोई रह गया है तो भी बता देना, और इसमें बाबर आजम का नाम नहीं है क्योंकि बाबर आजम का नाम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ऑनेस्टली। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, क्योंकि छुट्टी के दिन भी मतलब छुट्टियों पे आया हूँ और बिना स्पॉन्सर कमिटमेंट के सिर्फ आपके साथ कमिटमेंट करते हुए धमाधम वीडियो बनाए जा रहे हैं हम भी, तो फिर थोड़ा सा प्यार तो कर दिया करो। आई मीन लाइक करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम, फेसबुक के एल्गोरिथम, ये अपने आप आपको मेरे जैसा कॉन्टेंट जो है वो थोड़ा आपको सजेस्ट करना शुरू कर देंगे। Algorithms have become slightly smarter. I'm telling you.